हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जो फूड ऑफिस में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी स्टाइल चिकन बिरयानी। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड, चिकन बनाने के लिए हमने ले लिया है 1.5 किलो चिकन, जिसे हमने पहले ही वॉश कर लिया अच्छे से। इसे हम मैरिनेट कर लेंगे इसमें डाल के। इसमें हम डाल देंगे ये चॉपिंग किया हुआ कांदा, इस तरह से हमने काट लिया है। सारे कांदे को हम इसमें डाल देंगे, जितना भी कांदा है हमारा कटा हुआ हम सारे डाल देंगे इसमें। हमने इसमें सारे कांदे डाल दिए। 1.5 किलो चिकन था तो इसमें हमने उसका आधा, 1.5 किलो का आधा, 3 पाव के आसपास हमने डाले हैं इसमें कांदा। सो इसके बाद हम हल्दी डाल दिए, धनिया पाउडर है ये हमारा 2 चम्मच के आसपास हमने धनिया डाल दिया, 2 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया। बड़ी बड़ी चम्मच से डालना है। मिर्ची पाउडर डाल, 1 बड़ी चम्मच हमने मिर्ची पाउडर डाल दिया है। 2 बड़ी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और जीरा, कच्चा मिर्ची का पेस्ट बना के रखा है हमने, तो ये सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे। जिंजर का, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा कटा हुआ टोमेटो है। वो हमने सब कुछ डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम 2 चम्मच के आसपास ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो हमने सारे मैरिनेट कर दिया, अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। फ्रेंड, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, 5 मिनट हो गया है। हमने कढ़ाई में डाल दिया है 50 ग्राम्स के आसपास ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें फ़ौरन डालेंगे तेज़पत्ता है, 3 सूखा मिर्ची है और 3 लौंग है, 1 बड़ी दालचीनी है और 2 बड़ी चम्मच जीरा है। अब हम इसमें ये सारा डाल देंगे और 2-3 सेकेंड के बाद जब थोड़ा जीरा जलने लगे उसके बाद हम जो भी हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन था इसमें डाल देंगे सारे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा जीरा थोड़ा सा जल चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हमारा जो भी मैरिनेट किया हुआ चिकन था सारा इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम सारा इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड, सारा हमने इसमें डाल दिए, इसे हम अब इसकी सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे को। तो फ्रेंड, हमने मिक्स कर दिया है, हाई फ्लेम पे हमने गैस को दे दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा जो भी ऑनियन में पानी है ऑनियन पानी छोड़ दे अच्छे से। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो ऑनियन जो था उसमें से पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि अंदर जले ना, मतलब आग में ना पकड़ ले। सो मिक्स करते हैं इसे। तो फ्रेंड, हम इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहेंगे। तब तक याद रखें, तब तक भूनना है जब तक हमारे ऑनियन में से बहुत अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे। सो अभी बहुत टाइम है तो 15-20 मिनट इसे हम अच्छे से भूनते हैं इसकी सहायता से। तो फ्रेंड, 10 मिनट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरह से हमारे ऑनियन ने पानी छोड़ दिया है और इसमें 10 मिनट लगेगा ताकि जो भी ऑनियन है सारे गल के उसमें से तेल छोड़ दे। तो फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग धीरे धीरे हमारा ऑनियन गल के ऑयल छोड़ रहे हैं। बस 5 मिनट और इसे अच्छे से भूनना है, फिर हमारे पूरी तरह से ऑनियन गल के ऑयल छोड़ देगा। गाइस, इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग घर पे बनाओगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, कौन से तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता।
फ़ोन में दिखा के। सो बस 5 मिनट ही और है, फिर अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देगा और हमारे चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी है, बस 2 मिनट और बचे हैं। 2 मिनट इसे और अच्छे से भुनेंगे, तब तक हम इसमें 1 5 रुपये वाली चिकन मसाला डाल देंगे। एक अभी डालेंगे और एक लास्ट में डालेंगे। अभी डाल देने से क्या होता है, टेस्ट में थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है लास्ट में, तो इसलिए एक मैं पहले डालता हूँ और एक लास्ट में डालता हूँ। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। वाओ, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑनियन गल चुका है और चिकन में से ऑयल छोड़ दिया है। तो हमारा चिकन भुनना रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन चुका है। सो अब हम इसमें अपने अनुसार जितनी ग्रेवी आपको खाना हो, जितना अच्छा ग्रेवी, आप अपने अनुसार इसमें वाटर डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो। सो हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल रहे हैं। तो फ्रेंड पानी डाल के हम इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक ढक देंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुकी है, हमारा देसी स्टाइल चिकन करी बन के रेडी है। इसमें हम एक और चीज़ बाकी है, इसमें हम जो हमारा बचा हुआ एक और पैकेट था चिकन मसाला का, वो हम इसमें पूरा डाल देंगे। सो डाल दिया मैंने पूरा। सो फ्रेंड अब हमारा देसी स्टाइल चिकन करी बन के रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब बटन को दबा ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली जो भी नई रेसिपी हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो बाय बाय।